बी अ गुड लिसनर मतलब एक अच्छे श्रोता बनिए। फिर देखिए क्या दिया है यहाँ पे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर वेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज और वेन यू आर डीलिंग विथ अदर पीपल। आर यू अ गुड लिसनर? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर वेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज और वेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल। आपको एक अच्छा श्रोता होना, श्रोता मतलब क्या होता है, सुनने वाला, तो आपको एक अच्छा श्रोता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब? जब आप कोई भाषा सीख रहे हो या फिर आप किसी के साथ डील कर रहे हो। डील का मतलब क्या होता है, कैसे हम किसी के साथ कुछ बिहेव करते, व्यवहार करते, वो तो जब आप किसी के साथ कुछ व्यवहार कर रहे हो या फिर आप कोई भाषा सीख रहे हो तब आपको अच्छा श्रोता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर यू अ गुड लिसनर? क्या आप अच्छे श्रोता हैं? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आप पता कर सकते हैं, जो फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आगे क्वेश्चन दिए हैं उनकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि आप एक अच्छे श्रोता हैं या नहीं है। वन, When you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? सुनिए, इसमें से फर्स्ट वन क्या दिया है कि जब आप किसी को सुन रहे होते हैं तो आप उस पर्सन को देखते हैं, मतलब जो स्पीकर है आप उसे देखते हैं, या फिर आप अपने सिर को इधर उधर घुमाते हैं, कभी इधर नज़र जाती है तो कभी उधर नज़र जाती है। फिर देखिए इसका आंसर क्या है, गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर, मतलब अच्छे श्रोता को हमेशा वक्ता को ही देखना चाहिए। वक्ता मतलब कौन? स्पीकर मतलब जो बोल रहा है वो। जैसे क्लास में टीचर क्या है? स्पीकर है, क्योंकि वो बोलती हैं। और लिसनर कौन है? बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं। टू मतलब सेकेंड वन, डू यू पे अटेंशन टू वॉट द स्पीकर इज सेइंग, क्या आप स्पीकर की बातों पे ध्यान देते हैं कि वो क्या कह रहा है। गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। देखिए अब इसका आंसर है कि अच्छे श्रोता को हमेशा स्पीकर की मतलब वक्ता की हर बात पे ध्यान देना चाहिए। थ्री मतलब थर्ड वन, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर, स्पीकर को समझने के लिए आप कुछ स्पेशल एफर्ट्स बनाते हैं। फिर देखें यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये थर्ड वन हो गया। हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसकी हेल्प से आप स्पीकर को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, इफ़ यू हियर सम न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप कोई नया या फिर अनफैमिलियर मतलब जो आपने पहले कभी भी ना सुना हो, जो आपके लिए क्या हो, अनफैमिलियर है, जिसे आपने पहली बार सुना हो, तो वही है यहाँ पे। अगर आप कोई नया या फिर अनफैमिलियर वर्ड सुनते हैं तो उसको क्या करिए, ट्राई कीजिए कि उसका मीनिंग आपको समझ में आए, मतलब आप उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करिए। यू कैन ट्राई टू गेस वॉट द स्पीकर विल से नेक्स्ट, मतलब आगे वो क्या कहने वाला है आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन वेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर और इवन वेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश वॉट ही इज सेइंग, देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन वेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर और इवन वेन यू आर डिसएग्री विद द स्पीकर, मतलब इसका क्या है कि आप वक्ता को सुनते रहने का प्रयास कीजिए, भले ही आपको वो बातें समझ में ना आए। मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन उस टाइम पे भी आपको कुछ बोलना नहीं है, आप उसको सुनते रहने का प्रयास कीजिए। और अगर आप उसकी बात से डिसएग्री भी हो तो भी आप उसे सुनते रहिए। डिसएग्री मीन्स क्या होता है, असहमत, मतलब किसी बात से हम सहमत नहीं होते हैं, तो अगर आप उसकी बात से असहमत भी हैं तभी भी आप उसकी बातों को सुनने का प्रयास कीजिए। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश वॉट ही इज सेइंग, मतलब जो भी स्पीकर बोल रहा है आप उसकी बातों के ख़त्म होने तक का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन, और जब उसकी बातें ख़त्म हो जाती हैं तब आप उससे पोलाइटली क्वेश्चन पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।
यहाँ पे पोलाइटली का मीनिंग क्या होता है, एकदम विनम्रता से आप उससे क्वेश्चन पूछिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए. डू नॉट फील शाई और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट इज बींग सेड. पुट योर क्वेश्चन टू द स्पीकर पोलाइटली. देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपको वक्ता की कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आपको शर्माने या फिर डरने की ज़रूरत नहीं है. किसी किसी को होता है ना, क्वेश्चन पूछने में कैसे शर्माते हैं या फिर डरते हैं, तो उस टाइम पे आपको ना डरना है ना ही शर्माना है. आप अपना क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, आप स्पीकर के सामने पोलाइटली मतलब विनम्रता के साथ रखिए, ठीक है, तो वो आपको आंसर ज़रूर बताएगा. जैसे आपकी टीचर भी पढ़ाती रहती है क्लास में, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बिना डरे और बिना शर्माए. कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं पूछूंगा तो मेरे पे सारे बच्चे हंसेंगे, लेकिन आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है ना ही डरने की. आप डायरेक्टली अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो यही यहाँ पे भी वही दिया है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप ना शर्माइए ना डरिए, आप डायरेक्ट जाइए और क्वेश्चन पूछिए. और वो भी क्वेश्चन कैसे पूछना है, आपको विनम्रता के साथ पूछना है. Sometimes it helps to note down important words or points even as you listen. कभी कभी क्या होता है, ये जो हम क्वेश्चन पूछते हैं ये हमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको नोट डाउन करने में ये हमारी हेल्प करता है, भले ही हमने सुना हो तो भी, ठीक है. अब देखिए लास्ट में क्या दिया है, लास्टली इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हियर. यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन. फिर देखिए क्या है, अंत में यह आपकी ये भी सोचने में मदद करता है कि आपने क्या सुना. यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन. और फिर आप बाद में डिफ़िकल्ट वर्ड और डिफ़िकल्ट फ्रेज. अब देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड मीन्स क्या होता है, डिफ़िकल्ट फ्रेज मीन्स क्या होता है, कठिन शब्द और कठिन वाक्यांश. इसका मीनिंग आप बाद में ढूंढ सकते हैं, ठीक है. देखिए जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये जो लड़का है, ये देखिए ये लड़की से क्या कहता है, प्लीज़ ब्रिंग मी द वाज दैट हैज़ पिंक रोजेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल. तो अब देखिए वास मीन्स क्या क्या होता है और फिर आपको कैसे पहचानना है कि इस लड़के ने क्या कहा, तो ये देखिए अभी ये कैसे फाइंड आउट करेगी. देखिए यहाँ पे क्या दिया, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मेरे लिए क्या लाओ, वास लाओ जिसमें पिंक रोसेस हैं, मतलब जिसमें गुलाबी गुलाब हैं, वो वास लेके आओ. यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पर देखिए क्या दिया, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल. मतलब अब हमें यह समझना है कि डाइनिंग टेबल पे कौन सा वास होता है. तो देखिए यहाँ पे ये जो गर्ल्स है वो समझेगी. जैसे यहाँ पे वास मीन्स क्या क्या होता है, अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब रोजेस का पूरा जो लगाया रहता है ना गार्डन में कहीं भी, वो अ काइंड ऑफ पॉट, मतलब एक पॉट में रोजेस रहता है. और फिर लास्टली अ फ्रॉक. तो इसमें से कौन सा वाला वास होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल. अब जो डाइनिंग टेबल पे होता है वो हमें वास लेके जाना है, तो यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ पॉट यही होगा, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे इसको तो नहीं रख सकते ना, फ्रॉक को रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, है ना. तो ऐसे ही हमें स्पीकर की हर बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए. तो ये था हमारा बी अ गुड लिसनर लेसन, जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. तो अगर आप समझ गए हैं अच्छे से तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपके और भी जो फ्रेंड्स है वो उठा सकें. और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.